साथ में रहते हो, तो हम लोग इसलिए इस शो पे आए थे ताकि लोगों को ना ये चीज क्लियर होए कि हम तीनों साथ में रहते हैं। बाकी जो मुद्दे वाली बात है आप थोड़ा सा और क्लियर करके प्लीज मैं बता देता हूँ मुद्दा क्या होता है ना, कि अब सोचो विशाल था उसमें कृतिका ऐड थी, उसके बाद दूसरा मुद्दा हम ले लेते हैं, जब शिवानी ने डिसीजन लिया था कृतिका को पीछे कर दिया और सना मकबूल को आगे कर दिया, मुद्दा भी ऐड ऑन था। पर उस चीज के लिए जब ये रेस वाली बात हुई थी, शिवानी संचालक थी, शिवानी ने बोला कि कृतिका तुम हार गई हो और सना चली गई, तो उस मुद्दे में पहले मैं बोली थी, जब मैंने बोला उसके बाद मेरी उससे बातचीत हुई तो वहां से विशाल बोलने लग गया, जब विशाल बोलने लग गया तो अरमान जी आ गए। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब आप एक हस्बैंड वाइफ होते हो और आप एक शो में आते हो तो अगर वाइफ की बात होती है हस्बैंड बोलते हैं, हस्बैंड की वाइफ होती है तो वाइफ बोलती है, कि एक ना नॉर्मल चीज़ है। जब हम यहाँ पे रहते हैं ना तो आगे से कोई अगर बोल रहा होता है तो ये एक ऑटोमेटिकली अंदर से ये चीज़ आती है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए तो वो स्टैंड लेते हैं। और मुझे चीटिंग को जस्टिफाई करते हुए हमेशा नजर आए हो। चीटिंग में आप बताओ क्या किया हमने चीटिंग में से? आपको एक कॉमेंट से इतना बुरा लगा, आप शादीशुदा थे फिर भी 7 दिन में प्यार हुआ, चीटिंग इज अ चॉइस। चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम, साथ थोड़ी रखता मैं, तो ये आपको छोड़ देता मैं, इससे शादी कर लेता, रखा तो दोनों को ना। तो हर चीज़ ना अलग अलग होती है, मेरे रिश्ते अलग हैं और किसी के अलग हैं, मैं अपने रिश्तों को अच्छे से चला रहा हूँ, कुछ लोग नहीं चला रहे, तो वो अपनी अपनी लाइफ होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा होता तो मैं पायल को छोड़ देता, इसको रखता, पर मैंने दोनों को रखा और दोनों को इज्जत दी और आज जो भी कुछ कर रहा हूँ इन्हीं के लिए कर रहा हूँ। मैं सरिता फीफा फूस से, हालांकि मेरा सवाल साई केतन से है, लेकिन क्लोजिंग कमेंट अरमान, आप लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, आपने कहा कि हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, फलाना ढिमाका, विशाल को आपने बहुत कुछ कहा जी। मगर नैतिकता का पाठ आप ना ही पढ़ाएं तो बेहतर है, एक बीवी के रहते हुए आप उस बीवी की बहन जैसे दोस्त को उसने बुलाया, आपने उससे शादी कर ली, आप जवाब दे चुके हैं, पर सिर्फ ये शब्द मैं आपको बताना चाहती थी, आप कितने भी मीठे शब्द बोल दें, गलत है कि आपने एक बीवी के रहते हुए दूसरी लड़की से शादी करके आपने जस्टिफाई करते हैं उसको, बार बार जस्टिफाई करते हैं कि सही है मैंने रखा, मैंने ये नहीं किया, ये गलत है, आप इसका जवाब दे चुके हैं, सिर्फ ये शब्द मैं आपसे कहना चाहती थी। साई केतन, आप बहुत हैंडसम हंक हैं और एक इमोशनल बंदा है, जब आप आए तो हमें लगा एक बीबा मुंडा आ गया, वो अपनी माँ को रिस्पेक्ट करता है, प्यार करता है, हमें लगा सारे आई बॉल्स साई केतन पर होंगे और ये हमारा फेवरेट होगा और रहा भी, लेकिन फर्स्ट सेकेंड वीक के बाद ये रियलिटी शो है, आपके ना कोई मुद्दे हैं, ना आपको कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, ना आप कोई स्टैंड लेते हो, कोई भी क्लियर स्टैंडिंग, कोई क्लियर रिश्ता, कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ रणवीर और अरमान की फ़्लाइट में बोर्ड कर लिया, आपको लगा ये टॉप 2 कंटेस्टेंट्स हैं, मैंने इनकी फ़्लाइट पकड़ ली है और डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी और मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, पर ये सही नहीं है क्योंकि आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी और हमने आपको एटम बम निकला था, आप सोचा था आप फुस्की निकले, क्यूट थे ये बात अलग है, लेकिन आप फुस्की बम निकले, हमने आपको सोचा था कि आप एटम बम निकलोगे और ये शो में आपका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो अजम्पशन है ना, मुझे लगता है कि इट्स रियली रॉन्ग, एंड ये नहीं कि मैं सिर्फ रणवीर या अरमान के साथ ही चिल आउट करता हूँ, मेरे और भी काफ़ी सारे दोस्त हैं, जैसे कि नेजी भी है और जो पुराने कंटेस्टेंट्स है जो घर से चले गए वो भी मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, तो मैं सबके साथ बैठा हूँ, सबके साथ मैंने बात की है, सबकी कहानी मैंने जानी है और जहाँ मेरा मुद्दा है वहाँ मैंने बात की है, जहाँ मुझे गलत लग जहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है एटलीस्ट मेरे लिए तो सही, तो मैंने वहाँ बात की है, फिर चाहे वो लवकेश हो या विशाल हो या सना मकबूल हो या बाकी जो भी हो, तो सबसे सबके साथ मैंने बात की, लेकिन एक है कि मैं हमेशा झगड़ा नहीं करूँगा, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमेशा मैं झगड़ा ना करूँ, लेकिन एट आफ्टर सम टाइम आफ्टर कुछ बातों के बाद कुछ एक टाइम के बाद झगड़ा हो जाता है, बिकॉज हम लोग एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही एनवायरमेंट में रह रहे हैं एंड काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है यहाँ का माहौल, तो इसलिए झगड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि झगड़ा ना करूँ, तो ऑफकोर्स लवकेश के साथ भी काफ़ी सारे अनबन हुए थे, लेकिन आई थिंक अभी वी आर ऑन द सेम पेज, तो आई थिंक आपका जो अजम्पशन है वो कहीं तो हिला हुआ है। नहीं, मुझे हमें मेरा कहने का मतलब ये था कि आप स्टैंड नहीं लेते, क्लियर पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं रखते, आप सेफ खेल लेते, जबकि शुरू में एक दो वीक आपको देखकर लगा था आप बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट होंगे और आप बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, हम सब मानते हैं, लेकिन गेम में रियलिटी शो वाइज आप उसमें कम पड़ गए, ये मेरा अपना ये आपका होगा मैम, लेकिन मैं हाँ एज अ पर्सन मैं सेफ भी खेलना चाहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अरमान की तरफ सपोर्ट करूँगा या रणवीर के तरफ सपोर्ट करूँगा, मैं अगर मुझे लगता है कि कोई और मुझसे ज़्यादा डिजर्विंग है तो डेफिनेटली मैं उसको भी सपोर्ट करूँगा, लेकिन ये नहीं कि इट्स ओनली फ्रेंडशिप है, हाँ दिस इज ट्रू बॉन्ड, ट्रू बॉन्ड है, सो आई थिंक योर अजम्पशन इज समथिंग वियर्ड, कोई बात नहीं। नमस्कार, मैं रेखा खान हूँ नवभारत टाइम से, मेरा सवाल कृतिका से है और अरमान से है। अरमान, इतनी देर से हम सुन रहे हैं और हमने देखा आप बार बार कह रहे हैं कि मैं इसको भी रख सकता हूँ, उसको भी रख सकता हूँ, बहुत गलत है। आपने सबसे पहले तो पायल की मजबूरी का फ़ायदा उठाया,
जितना हमने देखा, तो उसके लिए आप गलत हैं। आप उसको किसी जन्म में उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और कृतिका, हमने एक कहावत सुनी है ना कि डायन भी सात घर छोड़ करके वार करती है, तो आपने तो मतलब अपने आपने अपने मतलब अपनी फैम जो फ्रेंड है, आपने पूरा किस्सा बयान किया कि कैसे मतलब आप कैसे करीब आई, सात दिन में कैसे हुआ, आपने कैसे उनसे नंबर मांगा। तो कहते ना, वो कहावत को भी आपने एकदम सच कर दिखाया कि औरत औरत की दुश्मन होती है। हम हमेशा इतने सालों से इस चीज़ को मतलब हटाना चाह रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि यही सिचुएशन अगर पायल आपके साथ करती, आप अगर पहली बीवी होती और पायल इस तरह से करीब आके एक हफ्ते के अंदर और इस तरह की चीज़ें करके, जितना कि आप इंटरेस्ट ले लेके बता रही थी, तो फिर तो क्या आप मतलब आप बर्दाश्त करती? तो सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूँगी कि हम एक रियलिटी शो में, जो चीज़ें बाहर है वो मैं बाहर भी अपने ब्लॉग से बता चुकी, तो मैं इधर आके ना लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। जो चीज़ें हैं मैंने वो बातें करी, और ठीक है मुझे प्यार हुआ, मैं मानती हूँ मुझे प्यार हुआ और हर किसी को प्यार होता है, और अरमान जी ने मेरा साथ दिया। और पायल का जो इस चीज़ के अंदर पूरा का पूरा हाँ था, मतलब पायल ने हाँ करी तभी ये शादी हुई, तभी ये चीज़ें आगे बढ़ी। तो भाई ये जो चीज़ें ये हमारी पर्सनल है, हम तीनों के अंडरस्टैंडिंग है। और जो आप बोल रहे हो ना कि डायन ये सब, तो भाई ठीक है ये मानती हूँ ये चीज़ें होती है, बल्कि मैं यही बात बोलूँगी कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है अंडरस्टैंडिंग, जो कि हमारी है। और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मैंने सुसाइड करी, मैंने अपनी चीज़ें ख़राब की, मैंने मरने की कोशिश करी। एक ऐसा टाइम आ गया था कि हम तीनों अलग हो चुकी थी, मैंने रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश करी। मैंने ये टाइम भी देखा कि मैं इनकी लाइफ से अलग हो जाऊँ, पायल हमारी लाइफ से अलग हो जाए। हम तीनों अलग हो चुके थे। अलग होने के बाद मुझे फिर एंड में चीज़ें समझ आई कि हाँ मैं नहीं रह सकती ना इनके बिना। आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। मैं कह रही हूँ कि अगर आपके साथ पायल ऐसा करती तो आप बर्दाश्त करती? बस मेरा सवाल इतना है, बाकी आपकी पूरी कहानी तो पूरी दुनिया जानती है। तो देखो चीज़ें जब होती तब की तब मैं देखती, बाकी जो पायल ने किया वो बहुत मुझे पता है पायल ने सही किया है, और मैं अगर पायल की जगह होती तो मैं भी यही करती। थैंक यू। हाय एवरीवन, दिस इज शची फ्रॉम midday.com। सर मेरा सवाल रणवीर सर और कृतिका दोनों से है कि जो डिबेट वाला टास्क हुआ था उसमें रणवीर सर, जब आपने डिसाइड कर ही लिया था कि आपको ज़्यादा राशन किस साइड देना है, तो फिर इतना लंबा टास्क की ज़रूरत ही क्या थी? और कृतिका, अगर आपको जब शिवानी ने आपको आउट किया, इतनी ज़ोर से मिर्ची लगी थी अनफेयर अनफेयर करके, तो जब यहाँ अनफेयर हुआ तो आपने क्यों बोला हाँ हाँ दूध तो हमें दे दो, आटा तो हमें दे दो, चाय पत्ती भी दे दो, कॉफ़ी भी दे दो? पहले मैं जवाब दूँ, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है कि अनफेयरली बटा है राशन। राशन बिल्कुल फेयरली बटा था, सिर्फ उसमें दो या तीन पेनल्टीज जो मेरे हिसाब से डिबेट में लवकेश ने अपने बिहेवियर की वजह से जो स्कोर की थी, उसकी तीन चीज़ें मैंने, इनफैक्ट दो चीज़ें मैंने एज पेनल्टी ली थी। पहली बात घी, वो इसलिए क्योंकि वो घी जो घर में था इन्होंने शुरू किया था झगड़ा के खुल के खाओ खुल के खाओ, जब इनको घी खाना था। सो घी की पेनल्टी एक मारी थी। दूसरे दूध की पेनल्टी मैंने मारी थी क्योंकि दूध पे झगड़ा मकबूल ने शुरू किया था कि नहीं सब लोग अपने अपने डब्बे बांट लो, ये सॉरी जो भी सेकंड मकबूल भी थी शायद, नहीं मैंने तो अग्री किया वो चाय कॉफी। एक मिनट लेट मी फिनिश। दूध ज्यादा पीती तो ये दो पेनल्टीज मैंने स्कोर की थी। बाकी जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि मैंने अनफेयर किया है, मैं अगर आटा चावल भी उल्टा कर देता तो लवकेश और सना भूखे मर जाते, बिकॉज ये लोग आटा नहीं खाते, तो इसलिए इनको चावल दिया गया। ये मोस्टली वेजिटेरियंस थे इसलिए सब्जियां इनको दी गई। अब ये जब चावल और सब्जियां वहाँ चली गई तो ऑब्वियसली दूसरी साइड भी तो कुछ खाएगी, तो ऑब्वियसली आटा वहाँ जाएगा, दालें वहाँ जाएंगी। सो मैं सिवाय ये दो चीज़ों के, घी और दूध के, सब कुछ फेयरली बांटा गया। एक और चीज़ जो अनफेयर हुई वो ये थी कि जब मैं बांट रहा था मैंने पहली प्रेफरेंस इस साइड को दी कि क्या लेना है, चाय या कॉफ़ी। उन्होंने कहा हम लेंगे कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी उनको दे दी। मैंने कहा ये लो, इनको कहा मैंने कहा चाय ले लो। लवकेश ने फिर अपना रूप दिखाया, वापस ले लो हमको नहीं चाहिए, ये हमारे किसके, क्या करते फिर? मैंने एक दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा, चौथी बार मैंने चाय भी उधर दे दी। सो दिस वॉज बिकॉज एज अगर मैं एज मुझे एज हेड ऑफ हाउस बीच में एज संचालक बिठाया गया है, और अगर मैंने एक घंटे की डिबेट कंडक्ट की है तो उसमें कुछ तो स्कोर हो ना, कि कोई जीता कोई हारा। इट कांट जस्ट बी एक घंटे के बाद अच्छा लो राशन आधा आधा, जिसको जो लेना है ले लो। सो एज संचालक इट वॉज माई ड्यूटी विच आई परस्यूड, एंड मैंने कोई अनफेयरनेस नहीं दिखाई। येस जो पेनल्टी पॉइंट्स इन्होंने जो मिस स्कोर किए वो मैंने फटके दिए इनको। अगर
रणवीर जी आप कहते नजर आए थे अरमान के साथ कि दो इम्पोर्टेंट चीजें, वो तो अपनी तरफ आ गई। नहीं बिल्कुल नहीं, आप दिखाइए मैंने कहा कहा, मैंने कहा था दो चीजें जो किसी हरियाणवी को सबसे ज्यादा प्यारी होंगी, घी और दूध। ये हुई थी बात। तो प्लीज आप ध्यान से पहले देखें क्या कहा है फिर बनाइए, क्योंकि आप प्रेस हैं, यहाँ पे छोटी चीज भी बड़ी हो जाएगी। मेरा भाई यही जवाब है कि मैं जब ये डिबेट हुई थी तो मैं बहुत ज्यादा फियर थी, मेरे को बस दो लोगों की टेंशन थी, एक लवकेश भाई की, और मैंने ये बात बोली थी कि लवकेश भाई को चावल दे दो और अरमान जी को आटा दे दो, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला था, बस मेरा यही था उस साइड चावल जाए इस साइड आटा जाए ताकि ये रोटी खा ले और लवकेश भाई चावल खा ले ना, यही बात हुई थी ना जो मैंने बोला था। हाय मेरा नाम आंचल है एंड आई एम फ्रॉम फ्री प्रेस जर्नल। मेरा सवाल सर आपसे है रणवीर सर, आपने जैसे अभी कहा कि सना ने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी जब सना ने मुझे मेंढक जैसी आंखें और ये चीज़ें कही थी, सर आप भी उनके पीठ पीछे काफ़ी चीज़ें कहते नज़र आए, जब ये विशाल के साथ बैठी थी, जब वो टास्क हुआ जहाँ पर आप लोगों का राशन गैस सप्लाई बंद कर दी, तब आपने कहा था कि ये दोनों का बाहर कपल बन के निकलेंगे, और आपने विशाल को पूछा तू उसे प्यार करता है क्या, एंड इसके जैसी तो मैंने 200 छिपकलियाँ देखी है, इसके जैसी इसके सना जैसी लड़की से मैं विदाउट कैमराज बात नहीं कर सकता, इसके लोग बाहर इससे कैसे बात करते होंगे, ये सारी चीज़ें। एंड सेकेंडली जितनी बार आप अरमान कृतिका आप लोग सब बैठते हैं, आप लोग हमेशा सना के बारे में आप लोग बात करते नजर आते हैं, मतलब इट क्लियरली लुक्स लाइक आप सबका गेम उनसे ऑब्सेस, मतलब आप लोग उनके आपका गेम उन पर चल रहा है, एंड इट इज़ नेवर द अदर वे अराउंड, जब आप लोग बात करते हैं आप लोग ये कहते हैं कि सना और इनकी जो टीम है वो लोग आपके बारे में बात करते हैं, बट आई थिंक ये अदर वे अराउंड दिख रहा है, तो इस पर क्या कहें। थैंक यू। सो व्हाट्स द क्वेश्चन? माई क्वेश्चन इज कि आपने जब ये कहा, जब ये चीज़ें कहीं कि सना ने अभी आपको सॉरी नहीं बोला, आपने भी उनके बारे में काफ़ी चीज़ें बोली हैं, डू यू थिंक टू से समथिंग लाइक दिस फॉर अ गर्ल इज इट जस्टिफाइड? आंचल जी क्रोनोलॉजी समझिए, जो चीज़ें इंसिडेंट्स जो मेरे और इसके बीच हुए जहाँ इसको सॉरी बोलना था वो फर्स्ट हाफ में हुए हैं, ये जो आप बातें कह रही हैं जो हम लोग आपस में अब कर रहे हैं ये सेकेंड हाफ में है शो के। सो बिकॉज हर बिहेवियर हैज़ बीन लाइक दैट अर्लियर, येस वी आर सिटिंग एंड बिचिंग अबाउट हर। Now whether I should have said those things or no, you are free to judge what you want, but I spoke my heart out because jab when you are only 9 people in a house and you are full of emotions, you share with the people who have a friendly ear. So jahan tak Sana Maqbool aur unke friends hamare bare mein nahi baat karte, wo hamari tarah directly nahi bolte honge, but I am सर आप लोग भी आपस में ही बात करते हैं। हाँ नहीं मैं नहीं आंसर मैं कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं ना कि हम लोग ज़्यादा हमारी गेम उन पे ज़्यादा है, उसके लिए आप क्रोनोलॉजी देखिए, जहाँ तक इनकी है कि ये हमारे बारे में नहीं करते, ये डायरेक्टली हमारे बारे में नहीं करते होंगे, बट मजाक मस्ती में एक दूसरे टीचर हैं या हमको भी मारते हैं, ये हमारा जो छोटा अखबार था शिवानी ये हमको बहुत बार सुना चुकी है। तो प्लीज़ हियर मी आउट लेट मी फिनिश। Between somebody who is blunt and somebody who is scheming, I will always choose people who are blunt. So I find Maqbool scheming and I stay away from her. That is what I said. एक लड़की के बारे में ये चीजें कहना। वो लड़का लड़की बाहर इनका अफेयर हो जाएगा, ये लोग कपल बन के बाहर। हाँ वो मजाक में मैंने बोला था कि ये जो because gas एक मिनट gas बंद होने के बाद बावजूद जब हमने विशाल को बोला कि इसको बोलो कि कम से कम अगर जो भी इंसिडेंट हुआ है ये तो बोल सकती है कि गलती सिर्फ मेरी है बाकी सबको सजा मत दो, शी डिडंट हैव द हार्ट टू डू दैट। विशाल को जब हमने कहा कि यार तू इसको जाके कम से कम इतना तो बोल, विशाल कुडंट इवन डू दैट, विशाल सैट देयर 15 मिनट्स वहाँ से दूर से, हमने जहाँ जो आप कह रही हैं मैंने दरवाजे पे अरमान को बुला के कहा था कि ये देख ऐसे लग रहा है इन दोनों को, लग रहा है कि ये दोनों कपल बन के यहाँ से निकलेंगे। इट वॉज अ हाफ जोक, इट वॉज नॉट मेंट टू बी सीरियस। Lot of things are said in humor, in jest, जिसको आप शायद बहुत सीरियसली ले रही हैं, मे बी यू शुडेंट। आई डोंट केयर अबाउट दैट, वो ये शो की हर चीज़ बहुत सीरियसली आती है बाहर कुछ भी हो, सो डजेंट मैटर। सो माई पॉइंट इज इट, एक मिनट यार अरमान, सो आई एम सेइंग एवरीथिंग हैज़ टू बी सीन इन अ सर्टन कॉन्टेक्स्ट, एंड इफ यू कांट सी इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट आइसोलेशन में आप उसको ब्लो अप करना चाहती हैं बाई ऑल मीन्स फील फ्री टू डू इट। ग्रेट गाइज,
अरमान जी आप मेरे में ज़रूर बोलना। ऐसे तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, आप आ गए हो फिनाले वीक में। मैं आप दोनों को कहना चाहूँगा, चिट भी मेरा पट भी मेरा, ये कैसा गेम हो रहा है? 7 दिनों के भीतर आपकी बहन सी दोस्त का पति आपको शादी के लिए प्रपोज करता है, तब आप इनसिक्योर नहीं होती हैं, और एक लड़का आपको सुंदर बुलाता है तो आप अनसेफ फील करने लगती हैं, और आप इस कमेंट पर जाकर थप्पड़ मार देते हो, और आप खुद सना सुल्तान को हाइट शेम करते हो, बॉडी शेम करते हो, फेस शेम करते हो, उसने भी एक सिंगम शॉट बजा दिया होता तो क्या करते आप? शायद आपने, मैं बता देता हूँ, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना था, वो बॉडी शेमिंग नहीं थी। पहले नंबर तो जब वो यहाँ पे कर रही थी उसको डिस्टर्ब करना था, ठीक है, शीशो वाला, उसमें मैंने बोला अगर तू हिल उतार देगी तो ये बोलेंगे बच्चा किसका है सर, इसे ही बॉडी शेमिंग कहते हैं सर। चलो आपको लगता होगा उस टाइम उसको डिस्टर्ब, आपको कितने जन को लगता है, सबको वही लगता है, वही बॉडी, चलो सबको, सबको लगता है, चलो सबको लगता है, ठीक है। और यहाँ पे वो उससे पहले वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, ठीक है, मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा था, और उसके बाद मैंने बोला अगर तू मेकअप उतार देती होगी तो क्या घर वाले पहचान जाते तुझे, ये बोला था। फेस शेमिंग में आता है सर, सर मुझे, चलो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैंने ये बात उसको भी बोली थी, अंदर भी बोली थी। हाँ, लेकिन आपने सुल्तान से उस वक्त माफी नहीं मांगी? नहीं, अंदर जब मेरे सामने आई थी, और अगर बात, वो थप्पड़ मार देती तो क्या जस्टिफाई होता ही है? कर लेते हैं सर। और कृतिका जी आप बताइए, आप अनसेफ फील हो गई थी एक सुंदर कह देने से? सर वो सुंदर, सर एक सेकंड, सर बात क्या हुई थी, जब पार्ले शो पे आई थी, सेकंड वीकेंड का वार था जब अनिल सर ने बुलाया था, तो जिस तरह से वो वाक्य मेरे सामने आया कि विशाल ने जो भी मेरे बारे में बोला ना, वो बहुत ही वियर्ड चीज़ थी, ठीक है। वो अचानक से वो जो चीज़ आई कि मेरे बारे में वो लवकेश को बोल रहा, लवकेश ने जब एक्सेप्ट किया, क्योंकि लवकेश था वो सुनने वाला, जो इंसान सुनने वाला है वही बता सकता है कि उसके साथ वाला सही है या गलत है, तो जब लवकेश ने बताया कि विशाल गलत था, तो मेरे दिमाग में विशाल के लिए जो पिक्चर थी कि मेरे यहाँ पे सब दोस्त है, सब फ्रेंड है, सब भाई है, वो एक चीज़ चेंज हो गई थी। तो बस वो चीज़ के बाद मेरे दिमाग में यही था कि मेरे जब तक इस शो में विशाल है मैं उससे बात नहीं करूँगी, और उससे पहले तो सब कुछ सही था, पर जब मेरे को इसने बताया कि ये चीज़ गलत थी, तो ऑब्वियसली बात है जब वो दोस्त बताएगा तो वो चीज़ तो गलत लगेगी ना। और बात मैं यहाँ से एक और कर देता हूँ, आपने बोला चलो मैंने उसको बोला, उसके बाद अंदर सॉरी बोला, मैंने बॉडी शेमिंग की, और जो रोज मुझे यहाँ बोला जाता है थुलतला, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, मेरे सामने तो कोई नहीं आया सॉरी, आठवीं फेल, ये आठवीं फेल बोला, जैसे सना सुल्तान मुझे बोलती है थुलतला, इसको मैसेज पढ़ना नहीं आता, या फिर उसने तो नहीं बोला सॉरी, क्योंकि मैं लड़का था ना। उसी पे कुछ कहना चाह रही है, बताइए जी। मैंने ना उस दिन भी मैंने अरमान जी को भी बोला था कि अरमान जी आप मुझे बोलते हो मेरी पावर है वो लेने की, आपको मैं बोलती हूँ आप वो अंदर ले सकते हो, वो लड़की वैसी नहीं है, शी कुडंट टेक इट। तो आई थिंक मैंने सना सुल्तान को भी ये समझाया था कि अरमान जी है वो बोलते रहते हैं, छोड़ ना तो इसको इतना सीरियस मत ले, बट वो लड़की वैसी थी, उसकी वो लेने वाली क्षमता एक होती है ना कि कोई किसको कितना भी नीचे गिराए, वो लड़की वैसी नहीं थी। तो मैंने दोनों तरफ समझाने की कोशिश की, मैंने इनको भी बोला था। और रही बात, मुझे विशाल वाले टॉपिक पे बोलना है, विशाल ने डे वन से भाभी को मुंह पे बोला है, भाभी आप कितनी क्यूट हो, कितनी सुंदर हो, तब इनको अनसेफ फील नहीं हुआ, आफ्टर दैट इंसिडेंट शी स्टार्टेड फीलिंग अनसेफ। एक सेकंड, किसी को सामने, आप मेरी बात समझे, किसी को सामने बोलना, रणबीर जी भी अगर मुझे सामने से तारीफ करे कि कृतिका बहुत अच्छी लग रही है, वो बात एक अलग है, पर वो अपने दोस्त को कान में बोल रहा है और उसका दोस्त मुझे आगे से बोल रहा है, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, ये बात गलत है, एक सेकंड, कि ये बात गलत है, आप समझिए ना। और उसके बाद वो गिल्टी मानता है, और जब ये बात पायल मुंह पे बोलती है तो वो कहता है ओ यार शिट मेरा भेद खुल गया। उसने ये भी बोला मुझे, आई एम रियली सॉरी भी बोला, आप समझिए। अब मैं साई को बोल रही हूँ कि साई तुम अच्छे लग रहे हो, ठीक है, और मैं रणबीर जी के कान में साई के लिए कुछ अलग बात बोल रही हूँ, रणबीर जी बोले कि कृतिका का तेरे लिए बोलना गलत था, तो ऑब्वियसली बात है ना साई यही सोचेगा ना कि गलत था, आप समझिए। सामने बोलना और कान में बोलना, और जिसको तुम कान में बोल रहे हो उसका दोस्त एक्सेप्ट कर रहा है कि वो गलत है, इन दोनों में फर्क है। तो मैं बता दूं कि लवकेश ने ये जो बात बोली थी, तो लवकेश को मैं बताना चाहूंगा आपके वजह से पूरा रायता फैला, और आप बहुत कन्वीनियंटली विशाल से आपके जो डिस्कशंस हुए हैं वो बारी बारी से बता रहे हो। भाग्यशाली भैया वाली बात भी आपने बाद में बताई, हामी तो आप भी भर रहे थे, स्वीकृति तो आप भी दे रहे थे कि हाँ भाई सही बोल रहा है। पहली बात तो आपने शायद कुछ गलत देखा है, उसी टाइम ही मैंने उसको बोल दिया था, मगर क्या बोल रहा है पागल है क्या। और जो शायद आपको शायद देखना हो या आप 24 आवर लाइव ना देखते हो, मैंने उसको जज, उन्हें गुड वे उसने बहुत क्लियर किया था कि गुड वे में बोल रहा हूँ, वो बात तो बता देते कि गुड वे में बोल रहे हैं भाभी जी। जब पायल भाभी आई थी मैंने जो चीज़ बोली थी उन्होंने कंफर्म करी थी, उसके बाद उन्होंने बोला था आप सही जा रहे हैं। देखो भाई यहाँ पे जो बात होती है ना 4 दिन पहले की, वर्ड टू वर्ड याद नहीं होती, उसका मीनिंग पता होता है मैं क्या होता है। भाई डरा हुआ रिएक्शन तो देखो, जब इसने बोला मेरा रिएक्शन तभी था। आप मेरी जगह पे रहकर देखिए, अगर मैं किसी की कोई बात सुन रही हूँ
कि उसके दोस्त हाँ बोल रहा है तो मेरा रिएक्शन तो नॉर्मल रहेगा, उससे पहले तो मेरा रिएक्शन नहीं था। जब मेरे को कोई बोले ऑब्वियसली बात है, किसी की बात की एक्सक्यूज मी ना, जब बाहर से जब कोई बोल रहा है उसके बाद अंदर का कंफर्म कर रहा है तो मैम ये तो अलग हो ही नहीं सकता ना। मैडम कंफर्म हो गया, वो सामने से खुद बोल रहा है मुझसे गलती हुई या फिर चीजों को बोल रहा है और उस टाइम फिर दोबारा फिर वो बात बोल रहा है। जो वर्ड बोला वो एग्जैक्ट गलत सेंटेंस था, आई मीन पहले जो सेंटेंस वो गलत था। देखिए सर वो बाहर जाके एक बार मैं देख लूँगी, वो चीज़ें ज़रूर देखूँगी, पर आप मेरी जगह भी रहकर देखिए कि अगर आप इस शो में हो, अचानक से आपके घर वाले आते हैं, उसके बाद जिसको जिसको विशाल ये बात बोलता है वो एक्सेप्ट करता है कि गलत वे में, तो आपको तो गलत लगेगा ही लगेगा ना। ऑब्वियसली हमें नहीं पता ना किसके दिल में क्या है, किसके दिमाग में क्या है। मैं तो फर्स्ट डे से सबसे बात करी थी, ऐसा तो है नहीं मैं किसी एक बंदे से बात नहीं करी थी, मेरा जो सबके साथ था वो सबके साथ सेम रिएक्शन था। और मेरी विशाल से कितनी भी लड़ाई हो मैंने उससे पहले कभी नहीं बोला कि इससे बात मत कर या फिर इससे मत कर। आज से 4 दिन पहले ये बात हुई थी कि अरमान जी का ना ये गेम प्लान है कि पहले वो लड़ाई करते हैं फिर वो खुद आते हैं, और 4 दिन पहले मैंने इसको बोला था कि इनसे बात करनी बंद कर दे, डिबेट वाली बात। उससे पहले मैंने कभी नहीं बोला किसके साथ बैठ किसके साथ मत बैठ, यहाँ तक कि हम एक बेड पे सोते हैं वहाँ भी मेरी कन्वर्सेशन नहीं होती इन चीज़ों को लेकर। अब नहीं सर, अब भी बोला है, जब ये डिबेट हुई है ना जिस दिन राशन वाला टास्क था उस दिन सारे के सारे ऊपर बातें करे, तब भी इन्होंने मुझे किचन में बोली थी बात कि आज के बाद देखो किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, अभी 3 दिन पहले की बात है सर, उससे पहले नहीं। लिपिका या अरमान यू भी आप जस्टिफाई करते जा रहे हो कि आपने दोनों को रखा है, बहुत अच्छी बात है और आपके रिलीजन में रख भी सकते हैं, लेकिन इस रिश्ते को हम क्या नाम देंगे, इस रिश्ते को हम क्या नाम देंगे। मैडम कुछ रिश्ते वो ऐसे होते जिनका नाम ही नहीं होता, और इसके लिए मैं बहुत चीज़ें भुगत के आ चुका हूँ, अब बार बार सफाई नहीं दे सकता। और दूसरी बात मैं हिंदू हूँ, आप शायद मुझे मुस्लिम समझते हैं, मेरा नाम संदीप मलिक है और ये जो अरमान मलिक है 14 साल पहले आया था और आज स्टेज नेम बन गया है। तो क्या है ना कि ये चीज़ें दोनों में कन्फर्म हो गई, यहाँ भी वहाँ भी, तो चीज़ें अच्छी चल रही हैं, बहुत स्मूथ चल रही है, पर उससे पहले सब चीज़ें ख़राब हो गई थी, मरने तक की नौबत आ गई थी, वो चीज़ें किसी को नहीं पता क्योंकि ना कहानी लंबी होती है, 2-4, 1-2 घंटे में हम नहीं सुना सकते, उसके लिए क्या ना चीज़ें हमने भुगत ली है। पर आप सही चल रहा है, पर इस रिश्ते को आप पूछ रहे तो क्या नाम दूँ, तो इसको आप कोई नाम ना भी दें तो भी चलेगा। हाँ लेकिन लड़कियाँ जो होती हैं ना बड़ी जल कुकड़ियाँ होती हैं जी, तो इन दोनों के जब बाल नुचते होंगे तो ये कहती हैं कि वाइफ को सपोर्ट करते हैं, तो दोनों में से किस बीबी को सपोर्ट करते हैं? मैम देखो आज तक ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि बाल नोचने पे नौबत आई है, एक बारी नौबत इतनी आई थी कि अलग अलग अपने बाल नोच रहे थे, एक दूसरे के नहीं नोच रहे थे, वो अपने घर थी मैं अलग था, 1.5 साल के लिए अलग हो गए। हाँ, और बात रही गेम की, अगर ये विनर है पायल विनर है या मैं विनर हूँ या फिर यहाँ तक हम आए हमारे लिए इतना काफ़ी। खैर इस रिश्ते में एक बायोलॉजिकल नीड भी होती है, तो रोमांस कौन से दिन किसके साथ करते हैं? मैडम अब तो मैं कहते हैं ना कि खाना खाने के लिए टाइम नहीं चाहिए होता, जब मूड करे किसी के साथ भी कर लेते हैं। ओके रणवीर यू सेड यू वर बिचिंग, सो यू अग्री दैट मेल आल्सो आर वेरी काइंड ऑफ यू नो दे बिच, वी ऑलवेज से दैट विमेन बिचेस, मेल फीमेल एंड एवरीथिंग इन बिटवीन व्हेन दे कम इनसाइड दिस हाउस दे बिच। Hi, this is Alice Peter from Miss Malini. Sai, first of all, I have to tell you, I'm so happy कि आपने अपनी best friend की बात मानी because fashion game is on point. Yeah, thank you so much. Okay, my question is for Sana Maqbool. BB team बार कोई ठोक रहा है, please देखिए अगर बंदर होंगे। बंद हो गया। ओके माय क्वेश्चन इज फॉर सना मकबूल, जैसे अरमान एंड कृतिका जस्ट सेड कि दिस इज अ रियलिटी शो एंड यहाँ पे रियल बनना बहुत ज़रूरी है एंड यू कैन बी फेक राइट बिकॉज देयर सो मेनी कैमराज, बट फ्रॉम डे 1 टिल नाउ वी कैन सी दिस साइड दैट सीम्स फेक, थोड़ा प्रॉब्लमैटिक नज़र आ रहा है, इगोइस्टिक नज़र आ रहा है, सेल्फिश नज़र आ रहा है एंड अभी तक वो वैसे ही नज़र आ रहा है। इनफैक्ट इवन वीकेंड के वार पे अनिल सर कीप्स करेक्टिंग यू कि आप यहाँ पे गलत जा रहे हो वहाँ पे गलत जा रहे हो, बट वो इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है वहाँ, मतलब बताने के बावजूद एंड जब भी वो बताया जाता है आप बहुत ही ऐसे बिहेव करते हो जैसे कि आई एम तो राइट ओनली, ये नज़र आ रहा होगा बट आई एम राइट, वाई इज दिस बिहेवियर सो, आर यू लाइक दिस इन रियल लाइफ ऑल्सो? आई थिंक सो, येस आई एम फुल ऑफ माई सेल्फ, मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे आगे कुछ नहीं है,
आई थिंक सो, ट्रस्ट मी, डे वन से लोग मुझे बोल रहे हैं मैं फेक, बट मैं ऐसी ही हूँ. आई मीन इन रियल लाइफ ऑल्सो और रियल सब में मैं ऐसी हूँ. मैं बात कम करती हूँ, बट जब मैं बोलती हूँ, लाइक आई लाइक टू गिव बैक. मैं किसी की सुन के नहीं लेती. सो येस, आई हैव दैट सेल्फ लव थिंग इन मी. सेल्फिश की बात हो तो मैं पहले अपने आप को रखूँगी, बाकी मैं सबको देखती हूँ. एंड आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता मैं रॉन्ग हूँ इसमें. मुझे सर भी समझाते हैं. इनफैक्ट लास्ट वीकेंड के बारे में भी सर ने मुझे समझाया कुछ चीज़ पे लेके. बट कोई कोई लोग होते हैं जो ऐसे है, एंड आई एम लाइक दैट. सो इसमें कोई डिनाइल नहीं है. जिसको समझ में आती हूँ ठीक है, जिसको नहीं आती हूँ सो नॉट माई बिजनेस. बट इवन इफ देयर इज अ सिचुएशन दैट यू डोंट लाइक सर्टेन पीपल, बट वहाँ पे ऑल्सो शायद से आप गलत हो, बट वाई डोंट यू एक्सेप्टेड उस टाइम पे फिर. सी, आई मे फील रिग्रेट, मुझे बुरा लगेगा अपने आप से, बट अगेन इन्होंने बोला मैं इगोइस्टिक हूँ. येस, मैं इगोइस्टिक हूँ. कमिंग टू योर पॉइंट, आई वुड से कि अगर मुझे कोई पसंद नहीं है तो मैं नहीं हूँ उनके साथ. जैसे मैं पहले अरमान जी और कृतिका के साथ इनिशियली 1-2 वीक बहुत चिल करती थी, बहुत हंसी मजाक करती थी, पर समवेयर मुझे कुछ वाइब अच्छी नहीं लगी, मैं हट गई. रणवीर जी से मैंने एक बार पूछा था कि रणवीर जी वाई आर यू सो एंटी अबाउट मी. उन्होंने मुझे बोला कि मुझे तेरा एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता. आई ड्रू माई लाइन. अब इस घर में है तो काम काज को लेके सेम सर. नो बट इट्स ओके, या इट्स बोथ ऑफ अस, यू नो. बट मैंने कोशिश की थी पूछने की कि आप मुझे क्यों पसंद नहीं करते हो, तो मुझे वहाँ से आंसर मिल गया. तो मैंने बोला ठीक है, इफ़ ही डजंट लाइक मी इट्स ओके, मुझे किसी को घर लेके जाना नहीं है. तो मैंने अपना पीछे मैं हट गई. दैट्स इट.